दाएं हाथ में सोना धारण करने से आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बृहस्पति सक्रिय भूमिका निभाएगा। दश जो व्यक्ति लोहे कोयले का या शनि देव से संबंधित किसी धातु का व्यापार करते हों उनको स्वर्ण आभूषण धारण नहीं करने चाहिए। दश स्वर्ण आभूषणों नकली आभूषण और लोहे से निर्मित धातुओं को एक साथ नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति अपना शुभ प्रभाव नहीं देता है। दुनिया में आर्थिक सुस्ती के बीच एप्पल कंपनी ने अपनी आईफोन 11 सीरीज के आईफोन आईपॉड और नई स्मार्ट वॉच को लॉन्च किया है। नए आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स शामिल हैं। लॉन्चिंग के दौरान एप्पल के सीईओ टिम कुक ने बताया कि आईफोन XR साल 2018 का बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है। फोन्स की खासियत यह बताई गई है कि इनके कैमरे एक साथ कई तरह के फॉर्मेट में वीडियो स्लो मोशन सेल्फी लैंडस्केप सेल्फी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें टेलीफोटो अल्ट्रा वाइड और नया नाइट मोड भी है जिसकी मदद से कम रोशनी में भी इनके कैमरे उम्दा तस्वीरें खींच सकते हैं। इनका प्रोसेसर भी पहले के आईफोन्स के मुकाबले बढ़िया लगाए गए हैं, यानी ये फोन पहले से भी अधिक तेजी से काम करेंगे। एप्पल के अनुसार इनकी बैटरी भी पहले के मुकाबले बेहतर है और लॉन्च किए गए आईफोन 4 या 5 घंटे ज्यादा काम करेंगे। कैलिफोर्निया के कुपर्टिनो में हुए एक भव्य समारोह में एप्पल के सीईओ टिम कुक ने जब एक साथ 3 मोबाइल फोन लॉन्च किए तो उन्होंने बताया कि ये कई खूबियों के साथ एकदम नए डिजाइन में उपलब्ध है। ये फोन वाटरप्रूफ और डस्ट रेसिस्टेंट है, यानी दावा है कि पानी और धूल से इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आईफोन 11 प्रोसेसर में 5.8 इंच स्क्रीन है। आईफोन 11 प्रोसेसर मैक्स में 6.5 इंच की स्क्रीन है। दोनों मोबाइल में स्क्रीन रिजोल्यूशन 458 ppi है। डिस्प्ले को सुपर रेटिना का नाम दिया गया है। कंपनी ने आईफोन को पहली बार ट्रिपल कैमरा तकनीक के साथ उतारा है। इनमें 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और बेहतर जूम के लिए एक टेलीफोटो कैमरा भी है। वाइड एंगल तस्वीरें लेने की क्षमता की बदौलत अब ग्रुप सेल्फी लेने में उतनी ही दूरी से यह कैमरा पहले से अधिक लोगों को कैप्चर कर सकेगा। इसके साथ ही आईफोन 11 में आईफोन XR से 1 घंटे ज्यादा बैटरी बैकअप भी मिलेगा। आईफोन 11 में नाइट मोड और 60 फ्रेम प्रति सेकेंड की दर से वीडियो रिकॉर्ड की सुविधा भी है। बीते कुछ वर्षों में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। डुअल कैमरे की जगह अब कंपनियां अपने स्मार्टफोन में ट्रिपल कैमरा तकनीक पर काम कर रही हैं। इस तकनीक की मदद से मोबाइल फोन की क्षमता और उनका प्रदर्शन बढ़ जाता है। हाई स्पीड मोनोक्रोम सेंसर और बेहतर लाइट सेंसिटिविटी तकनीक की मदद से ये ट्रिपल कैमरे कम रोशनी में भी साफ तस्वीरें खींच सकते हैं। वहीं वाइड एंगल तकनीक बैकग्राउंड की तुलना में फोटो में चेहरे को हाईलाइट करने में बेहद उपयोगी होता है। वैसे यह तकनीक नई नहीं है क्योंकि भारतीय बाजार में सैमसंग A80 और Huawei P20 Pro जैसे मोबाइल फोन में भी यह नाइट मोड तकनीक पहले से मौजूद है। नाइट मोड तकनीक में कैमरा बेहतर तस्वीरें खींचने की तकनीक मौजूद है। आईफोन 11 में पहले से तेज फेस आईडी दी गई है। वहीं इसके प्रोसेसर मॉडल में ट्रिपल रियर कैमरा और डीप फ्यूजन कैमरा फीचर है जिसका उपयोग लो लाइट में तस्वीरें खींचने में होगा।